आडवाणी साहब बड़ी ज्यादती, मैं आ रहा हूँ आपके, लास्ट एक मिनट दूंगा मैं आपको, ज्यादती हो गई सर। इन्होंने कहा कि ज्यादती हो गई, आप रोने भी नहीं दे रहे। मतलब जाति तो 5 साल पहले हुई थी ना, अभी क्यों आए? अभी सवाल ये है ना, टाइमिंग का सवाल आ रहा है। अभी आने का क्या मतलब हुआ? 5 साल तक आप कहाँ थे? 5 साल तक तो आप जितनी मरात मिल रही थी सब ले रहे थे, हर जगह नजर आ रहे थे, सबके साथ नजर आ रहे थे, जितना फायदा उठा सकते थे उठा रहे थे, अभी क्यों आए? फिर ये तो बात ये है ना, बात यहाँ आ जाती है कि उस वक्त कहाँ थे? उस वक्त आ जाना था, उस वक्त नहीं आए तो फिर इस वक्त नहीं आना था, मकसद कहने का। आप नून लीग को हुकूमत बनते हुए नजर आ रही है आपकी भी? नहीं, ये चीज बताऊं मैं, इतना कॉन्फिडेंस है नून लीग की हुकूमत बनेगी, सही है, हर किसी को, इनको भी काफी कॉन्फिडेंस है कि हमको इतनी अक्सरियत मिलेगी। मुझे आप बताएं, मतलब आम आवाम क्या सोच रही होगी, मुझे बताएं 16 महीने किनकी हुकूमत रही है? इनकी तो थी, क्या डिलीवर किया कि ये इतना सीना ठोक के कहते हैं कि हम लोग जीतेंगे? अगर वाकई इनको अक्सरियत मिलती है तो सवाल या निशान आएगा, क्योंकि आपकी हुकूमत 16 महीने रही है, 16 महीने में आपने कुछ डिलीवर नहीं किया। आप 2018 की हर वक्त बात करते हैं, 2018 2022 में आपकी हुकूमत थी तो उसमें आपने क्या किया, उसके ऊपर क्यों बात नहीं की जाती? वो भी तो आप ही की हुकूमत थी, आप ही का प्राइम मिनिस्टर था, आपका ही वजीर खारजा था, सॉरी वजीर खजाना था, फाइनेंस मिनिस्टर आपका, वजीर आजम आपका, तो कहां थी? जो इकोनॉमिकली जो हालात हुए वो आपकी हुकूमत में कितने खराब हुए, तो फाइनेंस मिनिस्टर तो आपका था और वजीर आजम भी आपका था, सही। तो मुझे नहीं पता, या आप कुछ सोचे कि अगर ये जीतते हैं तो सवाल या निशान आएगा, ये जीत ही नहीं सकते, कैसे जीतेंगे? इनकी 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 खिदमत क्या है? क्या बात है, नहीं जीत सकते, मिलेगी वोट आपका? ये मुझे आप बता, आप क्यों वोट देंगे? सही, कोई भी बासौर आदमी जो सियासत पे नजर आ रहा है, पाकिस्तान से प्यार करता होगा, वो उनको क्यों हुकूमत देगा जिनकी 16 महीनों की हुकूमत देख चुका है? अगर उसी हुकूमत को अच्छा समझता है तो देगा, तो कौन अच्छा समझता है? मुझे पाकिस्तान में एक बंदा बता दे, तो इसका मतलब क्या हुआ? और होगा भी नहीं। आप सर पहले सलीम सचवानी का टाइम है, मैं फिर आप जी जी सर, लोगों के बस आप एतराज ना करें, मुल्क तो नहीं बचाया था ये, इन्होंने अपने केस खत्म कर अपने केस खत्म करने के लिए आए थे, मुल्क बचाने के लिए नहीं आए थे। और बाकी रहा सवाल कि अगर ये 16 माह से पीछे जा रहे हैं तो फिर थोड़ा और भी पीछे चले जाए, जब इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट पे अटैक किया था, तो ये भी हिस्ट्री है इनकी, तो बात अगर लेकर ही जानी है पीछे तो बहुत पीछे जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट पे जो उनको सजा हुई थी वो नाहिल हो गए थे, हमने तो उनको सपोर्ट नहीं किया था, उसको आप कैसी बात कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट की बात लेके आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, कराची की बात करें आप हमसे, आप तो भाग भी निकल सकते थे, नवाज शरीफ ने आपको आजादी दी, रोडों पर घुमाना, आप भाग भी नहीं निकल सकते थे, आपकी जो रोड राशन निकलती थी गिनती थी, आपके बदाम निकलती थी उसमें तो आप भाग देखा, आपको सुप्रीम कोर्ट नजर आ गई, सुप्रीम कोर्ट गमला टूट गया था, उस गमले पर अल्हम्दुलिल्लाह जो उनको नाहिल किया गया था तारिक अजीज मरहूम को, और दो तीन और हमारे नाम है उनको कर दिया, आज तक वो नाहिल है किसी इलेक्शन में आपको नजर आए, तो ये ज्यादती वाली बात है, आपको एक छोटी सी ऐसे गमले वाली चीज पे उठा लेंगे आप, मुझे एक सेकंड कर 2013 के भी पहले आप लोगों ने काफी हुकूमत की थी, तब क्या रिजल्ट दिया था? 2013 तक पाकिस्तान यहां पहुंचा तो पीछे आप लोगों की हुकूमत रह चुकी थी, आप पिछले पहले भी 2 बार वजीर आजम बन चुके थे, आपने तकरीबन पंजाब आप ही के हाथ में था, तो ये जो पाकिस्तान के हालात 2013 में खराब हुए थे तो इसके पीछे भी आप लोगों ने गवर्नमेंट की थी, आप फर्स्ट टाइम 2013 में नहीं आए, आप लोग फर्स्ट टाइम 1980 उसके पीछे आपकी एक मिनट का आप मुझे जवाब देते, 13 से लेकर 18 तक में आपने क्या किया सिवाय मुल्क को तबाह करने के? जितना आपने कर्जा लिया उसका क्या इस्तेमाल किया आपने? हमने बिल्कुल आपने क्या सबक बनाया? आपने तबाह किया, आपने मुल्क किया, आपके साथ जो है